डॉक्टर प्रदीप पाठक ने महिला से किया अभद्र व्यवहार, बीएमओ गौरव त्रिपाठी पल्ला झाड़ते नजर आए। राजगढ़ जिले के नाहरसिंहगढ़ तहसील में एक बड़ा मामला सामने आया है अस्पताल का, जहां डॉक्टर प्रदीप पाठक इलाज न करने की धमकी दे रहे हैं। आए दिन ऐसी सूचना मिलती रहती है, पर डॉक्टरों द्वारा मरीजों से अभद्र व्यवहार। संजय नगर के एक परिवार की श्रीमती रीना जाटव अपने बच्चों को इलाज करवाने सिविल अस्पताल नाहरसिंहगढ़ पहुंची, किंतु अचानक पीड़ित महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। डॉक्टर द्वारा बच्चे का इलाज करने से मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि मास्क पहनो और मरीज ने पहले से मुंह पर दुपट्टा लगा रखा था। महिला से अपशब्दों का प्रयोग किया। डॉक्टर प्रदीप पाठक ने महिला से बोला कि मैं तुम्हारा बाप का नौकर नहीं हूँ, जाओ जो करना है कर लो, मैं इलाज नहीं करता। डॉक्टर पाठक पूर्व में बीएमओ भी रहे हैं। आखिर सरकारी डॉक्टर आए दिन मरीजों के साथ गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जब मीडिया की टीम बात करने पहुंची बीएमओ गौरव त्रिपाठी से हुई, तो डॉक्टर के प्रति पल्ला झाड़ते नजर आए। आए बीएमओ गौरव त्रिपाठी को 6 से 7 वर्ष नाहरसिंहगढ़ में बीत चुके हैं, जबकि बीएमओ का ही सपोर्ट है तो फिर डॉक्टर को गलत पेश आएंगे ही। मरीजों से कुछ दिन पूर्व मीडिया कर्मी से भी बदतमीजी पेश करते आए थे। बीएमओ गौरव त्रिपाठी और बीएमओ गौरव त्रिपाठी की पत्नी स्वाति त्रिपाठी कुंवर कोटरी के ग्रामीण जनों ने लगाए थे आरोप। कुंवर कोटरी में पदस्थ पर हमें आज तक नहीं देखी मैडम, ये बोला था ग्रामीण जनों ने। R9 भारत के लिए ब्रजमोहन सिंह सूर्यवंशी की रिपोर्ट, राजगढ़। इतना होगा तो बिल्कुल नहीं देखूंगा मैं भाई, तुम अगर आप सोच रही हो हम आपके बाप के नौकर है तो नहीं है। आप कैसे बात कर रही हो आपकी उनसे, फिर बहस कर रही हो, अभी ये बात करने का तरीका तुम्हारा ऐसे ही बोला ना तुमने, लोग देख लो नहीं देखेंगे। अस्पताल गए थे, क्या बोला डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर ने बोला मास्क लगा के आओ। मास्क तो लेके गए थे ही नहीं हम, हाँ। उसका दुपट्टे का मास्क लगा लिया, फिर भी इलाज नहीं कराओ, उन्होंने डांट के भगा दिया मुझे। क्या बोला? बोला आपके बाप के नौकर नहीं लग रहे, हम नहीं करेंगे इलाज। और सब बच्चों का इलाज करा उन्होंने, मेरे बच्चों का इलाज नहीं करा। सब ने साड़ियों से मास्क लगा रखा, पर मैंने दुपट्टे से मास्क लगा रहे, जब भी मेरा इलाज नहीं करा बच्चों का। लोगों ने भी मास्क नहीं लगा रखा था वहाँ पे, तो पेशेंट का मास्क लगाएंगे? बहुत से डॉक्टर बिना मास्क के भी घूम रहे थे वहाँ पे। अच्छा, शाम को गए थे तो मास्क नहीं था, और सुबह गए तो मास्क आ गया। आपका क्या कहना पेशेंट के साथ? वीडियो मैंने भी देखा है और कुछ में आया, हालांकि किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत नहीं की गई है जी। वीडियो में जो भी था, जो भी उनकी आपसी जो हुई होगी तनातनी, उसके बारे में मैंने डॉक्टर साहब को समझा दिया, सीनियर व्यक्ति है जी। हो सकता कुछ आवेश में कुछ बोला जारी हुई हो, मरीजों की तरफ से कुछ रहा हो इस तरह का। बाकी यूजुअली ऐसा होता नहीं है नर्सिंग अस्पताल में, सभी चिकित्सकों का व्यवहार बहुत मधुर रहता है मरीजों के साथ, बनते कोशिश जो है भरपूर सेवा उनको प्रदान की जाती है। अभी कुछ उस मरीज ने भी बोला है कि हाँ, उसने आपके लिए कि हमने को विशेषकर बताया नहीं, उसने हमको वाइट मतलब बोला तो सर मेरे से डॉक्टर साहब ने ऐसे मतलब बोला कि आप मास्क लगा के आए, उसने मतलब मास्क की जगह दुपट्टा लगा रखा था, किंतु सर ने फिर भी उसको मास्क लगाने। महिला ने आरोप लगाया है कि जब ये विवाद हुआ था उसके बाद बच्चे का इलाज नहीं किया गया अस्पताल में, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, ये तो आपके द्वारा ही मेरे संज्ञान में लाया गया है कि बच्चे को उपचार नहीं है। यदि इस तरह की समस्या थी तो और भी चिकित्सक थे या मेरे कार्यालय में मुझे बताते जी। उपचार पाना हर मरीज का अधिकार है, और इस तरह की मेरे संज्ञान में कोई शिकायत नहीं आई कि उपचार नहीं किया गया। हो सकता है किसी उनके द्वारा ना कर किसी दूसरे चिकित्सक ने या ड्यूटी चिकित्सक ने देखा हो जी, है ना। बाकी उपचार यदि नहीं किया गया तो उन्हें शिकायत करनी चाहिए।